सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए, एक बिल्कुल नया टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, ह्यूटेगॉजी। ओके, हम लोगों ने पेडागॉजी पे बात की है, एंड्रेगॉजी पे बात की है, और ये उसी के क्रम में एक एंड्रेगॉजी का विस्तार है, ह्यूटेगॉजी। ओके, सो देखते हैं हम कि क्या है ह्यूटेगॉजी, कैसे ये पेडागॉजी एंड्रेगॉजी के क्रम में आया। तो शुरू करते हैं। ह्यूटेगॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग एंड अप्लाइज अ होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपिंग लर्नर कैपेबिलिटीज विद द लर्नर सर्विंग एज द मेजर एजेंट इन देयर ओन लर्निंग विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब देखिए, हम लोग पेडागॉजी की बात कर चुके हैं। पेडागॉजी क्या थी कि पहले तो कहा जाता था कि आर्ट एंड साइंस ऑफ लर्निंग, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। फिर कहा गया कि नहीं, ये पेडॉस से मतलब चाइल्ड से है, तो ये चाइल्ड को लीड करती है। फिर आया कि नहीं नहीं पेडागॉजी से आप सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो लर्नर हैं, जो एडोलेसेंट हैं, जो अबव एडोलेसेंट हैं, जो एडल्ट हैं, यू कैन से सिंपली, उनके लिए पेडागॉजी ठीक है नहीं है, उनके लिए एंड्रेगॉजी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके देखने, सोचने, समझने का नज़रिया जो है वो बच्चों से अलग है। तो फिर उसी, वो क्या थी, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग थी, वो सेल्फ लर्निंग थी, और ये सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है, यानी कि उसी का एक्सटेंशन है, उसी से वन स्टेप अहेड है। और ये क्या कह रहा है कि अप्लाइज अ होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपिंग लर्नर कैपेबिलिटीज, यानी कि जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, उसकी योग्यताओं का विकास करना है। और इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्या कह सकते हैं, द मेजर एजेंट इन देयर ओन लर्निंग, यानी कि वो सेल्फ डिटरमाइंड है ना, यानी कि वो अपने सीखने के लिए मेजर एजेंट है, विच अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। अच्छा, फिर इट वॉज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन टू एंड्रेगॉजी, है ना, जो अभी बात की जा रही थी कि ये जो है एंड्रेगॉजी का ही एक्सटेंशन है, एंड बिल्ड ऑन थियरीज, और किन किन सिद्धांतों पर ये निर्माण इसका किया गया है, सच एज कंस्ट्रक्टिविज्म। हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब कि लर्नर जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपनी नॉलेज, है ना। ह्यूमेनिज्म, क्यों ह्यूमेनिज्म, क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है, सेल्फ की महत्ता है, और ह्यूमेनिज्म क्या करता है, सेल्फ को इम्पोर्टेंस देता है। फिर कैपेबिलिटी, योग्यता। कनेक्टिविज्म, क्यों कनेक्टिविज्म की बात की जा रही है, क्योंकि आपको पता चल गया है इतने दिनों में पढ़ते पढ़ते कि कनेक्टिविज्म क्या है, डिजिटल एज की थ्योरी है, और कनेक्शंस है किसके किसके बीच में, ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस के बीच में, ये जो इतना जाल है ना इंटरनेट का, ये जो कनेक्शन है वो एक नई थ्योरी को इजाद कर रहा है, जो कि कनेक्टिविज्म है। सिस्टम्स थिंकिंग, ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो गए, नॉन ह्यूमन की थिंकिंग, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी एंड द न्यूरो साइंस ऑफ लर्निंग, अगर एक एक हम थ्योरी को ले लें तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय बन जाता है पढ़ने के लिए। कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमेनिज्म, कैपेबिलिटी, कनेक्टिविज्म, सिस्टम्स थिंकिंग, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी भी देखिए एक नई तरीके की थ्योरी है। एंड द न्यूरो साइंस ऑफ लर्निंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, न्यूरो साइंस ऑफ लर्निंग। देखिए, जब आप पढ़ते हैं साइकोलॉजी, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, और उसमें जब आप पढ़ते हैं कि क्या नया आ रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी में या साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी तो उसी का हमने थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, न्यूरो साइंस ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क कितना इन्वॉल्व है, न्यूरॉन्स का क्या रोल है, ब्रेन आपका क्या रोल प्ले कर रहा है लर्निंग में, तो एकदम नया नया सब है ये पढ़ने लिखने के लिए, न्यूरो साइंस ऑफ लर्निंग। और ये कब कहा जा रहा है, 2014 में, है ना, एज लेटेस्ट एज 2014। तो सबसे बड़ी बात ये कि पढ़ाना मैं कुछ और चाह रही थी, लेकिन अब बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ही चल रहा था, और ये नया मेरे दिमाग में आया, मैंने पढ़ा तो मुझे लगा नहीं मुझे आपके संग शेयर करना चाहिए। तो कम से कम अगर कोई नई चीज़ हम इजाद नहीं कर पा रहे हैं ना, हम नहीं उतने केपेबल हैं कि कोई नया गॉजी निकाल दें, तो कम से कम जिसने निकाल दिया है, जिसने हमको लिटरेचर प्रदान किया है पढ़ने के लिए, हमको उससे अवगत हो जाना चाहिए। एटलीस्ट हम उन लोगों में से रहें जो सबसे पहले या बहुत पहले या कंपेरेटिवली पहले जान जाएं कुछ नया आए हमारे विषय में, तो है ना। तो इसलिए मैंने बाकी सारी चीज़ें छोड़ के ह्यूटेगॉजी पर बनाया और आपसे बात करने की कोशिश की है। तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात कि क्या क्या लोग बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कैसे साइकोलॉजी, कैसे लर्निंग, कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, इंटरनेट का क्या रोल है, डिजिटल एज कैसे उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है, तो हमको ये सब कुछ जानना चाहिए।
फिर इट इज एन अप्रोप्रिएट लर्निंग फ्रेमवर्क फॉर 21st सेंचुरी लर्नर्स। देखिए आ गई वो बात कि डिजिटल एज से क्यों कनेक्टिविज्म पे ये बिल्ड थी, क्योंकि ये 21वीं शताब्दी के जो 21वीं सदी के जो लर्नर है उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। क्यों? हु विश टू टेक एन एक्टिव रोल, कहा जा रहा है ना कि ये सेल्फ डिटरमाइंड है, एंड अप्रोच इन द लर्निंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी हैज द पोटेंशियल टू ड्राइव एजुकेशनल इनोवेशन सच एज यूटेबॉजी। यानी कि आप इसको एजुकेशनल इनोवेशन भी कह सकते हैं, शैक्षिक नवाचार भी कह सकते हैं, किसको? यूटेबॉजी को, है ना। कई लोग गॉगी बोलने लगे ना, पेडागॉजी, पेडागॉजी भी बोल सकते हैं, यूटेगॉजी भी बोल सकते हैं, तो अपना बोलने का है। और ये भी जर्स्टीन ने 2013 में कहा है। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो हमको ये पोटेंशियल देती है, विभव देती है, हमको सामर्थ्य देती है कि हम एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में, और आगे बढ़कर लीड लेकर काम कर सकें। इसलिए ये लर्निंग फ्रेमवर्क है किसका? 21st सेंचुरी का। ओके, देन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या है इसके, किस पर ये बेस्ड है? देखिए एट द हार्ट ऑफ यूटेगॉजी, एकदम इसके दिल में क्या विद्यमान है, यानी कि एकदम इसकी जान किस में बसी हुई है? ह्यूमनिज्म एंड लर्नर एजेंसी। यानी कि दो खास बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम यूटेगॉजी को समझ जाएंगे, मानववाद और लर्नर एजेंसी। यानी कि हम लर्नर पे सारा एम्फेसिस है। वेयर द पावर टू लर्न इज फर्मली इन द हैंड्स ऑफ द लर्नर एंड नॉट द टीचर। यानी कि सीखने की शक्ति किसके हाथ में है, किस में निहित है? सीखने वाले में, अधिगम करता में, ना कि सिखाने वाले में। ये इसकी खास बात है। सॉरी, फिर कार्ल रोजर्स। देखिए ह्यूमनिज्म की हम जब बात करते हैं तो मैस्लो और कार्ल रोजर्स को हम नहीं छोड़ सकते। सब लोग मतलब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हों, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हों, बहुत 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 विषयों में मैस्लो पढ़ाए जाते हैं, है ना। मैस्लो की हायरार्की कि आपकी नीड बेस्ड है, कि जैसे जैसे हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाते हैं और लास्ट में हमारा क्या हो जाता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये इनकी ह्यूमनिज्म थ्योरी है। और कार्ल रोजर्स भी ह्यूमनिस्ट हैं। ये क्या कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव अ नेचुरल प्रोपेंसिटी टू लर्न। यानी कि जो मनुष्य है उसमें एक अंतर्निहित शक्ति है सीखने के लिए, एंड ही इनकरेज्ड प्लेसिंग द लर्नर्स एट द सेंटर ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। और वो ये कहते हैं कि प्रोत्साहित करते हैं कि जो अधिगम करता है, जो स्टूडेंट है, जो सीखने वाला है, उसको हमको केंद्र बिंदु में रखना है, किसके? शैक्षिक प्रक्रियाओं के। गोइंग सो फार एज टू सजेस्ट द एलिमिनेशन ऑफ ग्रेड क्रेडिट्स एग्जामिनेशन एंड इवन टीचर्स। मतलब वो यहाँ तक हमको सजेस्ट करते हैं कि हम ग्रेड भी हटा दें, हम उनके क्रेडिट हटा दें, हम उनके एग्जामिनेशन हटा दें, यहाँ तक कि हम टीचर्स को भी हटा दें। तो इस कैटेगरी का ह्यूमनिज्म कार्ल रोजर्स फॉलो करते हैं, है ना। और लर्नर एजेंसी क्या? बंडूरा साहब, हम सभी लोग जान रहे हैं कि बंडूरा साहब का अभी कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया है। बहुत बहुत कुछ उन्होंने हम लोग को बताया, पढ़ाया, सिखाया। इन्होंने कहा था ह्यूमन एजेंसी के बारे में कि ह्यूमन एजेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंशनैलिटी। यानी हम जानबूझकर वो कर रहे हैं। फोरथॉट, यानी हमने पहले से सोच लिया है। सेल्फ रिएक्टिवनेस एंड सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस, है ना। तो ये सारी चीजें जब आएंगी तो हम लर्नर एजेंसी या ह्यूमन एजेंसी की बात करेंगे और ह्यूमनिज्म क्या है। फिर एक और दो कॉम्पोनेंट है। अनदर कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूटेगॉजी इज रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि सिर्फ करके हम निकल आए बल्कि हम उसको सोचते भी हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल लूप एंड डबल लूप लर्निंग, वेयर द लर्नर रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली ऑन व्हाट इज लर्न्ड बट आल्सो ऑन हाउ इट इज लर्न्ड। यानी कि हम ये नहीं सिर्फ लर्नर रिफ्लेक्ट करता है, जो सीखने वाला है वो सोचता है ये सिर्फ इस विषय में नहीं कि क्या सीखा है, बस बल्कि ये भी कि कैसे सीखा। और दूसरा जो प्रिंसिपल है, येट अनदर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूटेगॉजी इज कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या चीज है? अकॉर्डिंग टू स्टीफेंसन एंड व्हील 1992 में क्या कह रहे हैं ये कि कैपेबल पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू टेक इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट एक्शन, एक्सप्लेन व्हाट दे आर अबाउट, लिव एंड वर्क इफेक्टिवली विद अदर्स एंड कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस बोथ एज इंडिविजुअल्स एंड इन एसोसिएशन विद अदर्स इन ए डाइवर्स एंड चेंजिंग सोसाइटी। मीन्स कैपेबिलिटी बहुत कुछ है, योग्यता बहुत कुछ है, हमको सिर्फ ऐसे लगता है कि बस हाँ नहीं, कैपेबल पीपल में बहुत सारी खास बातें होती हैं और ये सारी चीजें मिलकर हमारा बनाती हैं क्या? फाउंडेशनल प्रिंसिपल किसका? ह्यूटेगॉजी का। यानी कि ह्यूमनिज्म होगा, लर्नर एजेंसी होगी, रिफ्लेक्शन होगा और कैपेबिलिटी होगी। तो ये चार मेन खास प्रिंसिपल्स ह्यूटेगॉजी के। देन लर्नर सेंटर्ड पेडागॉजीज हैं ह्यूटेगॉजी के साथ। कौन कौन सी?
सेल्फ इफिकेसी। हम सब लोगों ने बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ी और हम जानते हैं कि बंडूरा साहब सेल्फ इफिकेसी को प्रमोट करते हैं। क्या है सेल्फ इफिकेसी? व्हाइल इफिकेसी इज द एबिलिटी टू अचीव अ स्पेसिफिक आउटकम और आउटकम्स, सेल्फ इफिकेसी इज वंस बिलीफ इन और परसेप्शन ऑफ हिज और हर एबिलिटी टू अचीव दैट आउटकम। समझ में आ गई बात ना, कि एफिकेसी क्या है? वो योग्यता है जिसे हम किसी स्पेसिफिक आउटकम को पा सकें। और सेल्फ इफिकेसी क्या है? उसमें सेल्फ इन्वॉल्व हो गया ना, कि अपना बिलीव, हमें खुद पर विश्वास हो, ये परसेप्शन हो, अपनी 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 योग्यता को हम परसीव कर पाए कि हम वो पर्टिकुलर आउटकम को पा सकते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है? मतलब देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब कि हम डिटरमाइन कर पाए, कुछ सुनिश्चित कर पाए। इंडिविजुअल्स एज हैविंग अ डिजायर फॉर ऑनगोइंग सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि हमारे में ये इच्छा होनी चाहिए कि हम लगातार अपना विकास कर सकें, बोथ ऑटोनोमसली यानी कि थ्रू सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि हम अपने से नियमित होके भी एंड इन रिलेशनशिप टू अदर्स, दूसरों के साथ मिलकर भी, दूसरों के अलग होकर भी, विद इन सोशल कॉन्टेक्स्ट भी, थ्रू सेल्फ रेगुलेशन भी। अगर हमारे में ये डिजायर है फॉर ऑनगोइंग सेल्फ डेवलपमेंट की, तो हम कह सकते हैं कि हम सेल्फ डिटरमाइन हैं। द थियरी आइडेंटिफाइज थ्री सेंट्रल नीड्स, तीन इसकी केंद्रीय आवश्यकताएं कौन कौन सी? कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, ये भी डेसी एंड रियान ने 2002 में हमको बताया। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म हम लोग जानते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है? लर्नर सेंटर्ड है, बिकॉज देयर लर्नर इज इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एलिमेंट्स लाइक एक्टिव एंड ऑथेंटिक लर्निंग। देखिए हमने ऑथेंटिक लर्निंग भी आपको बता दिया है ना, लर्निंग बाय डूइंग हम सब लोग जानते हैं, स्कैफोल्डेड लर्निंग हम लोग जानते हैं, एंड कोलैबोरेशन। और ये हैरिसन 2011 में कह रहे हैं। फिर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या है? अच्छा देखिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है ना। और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या कहता है? ह्यूटेगॉजी टेक्स एंड्रेगॉजी अ स्टेप फर्दर, जैसे कि भी पहले बात की कि ह्यूटेगॉजी एंड्रेगॉजी से भी एक स्टेप आगे की बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ मूविंग लर्नर्स अलोंग ए कंटिन्यूम फ्रॉम, यानी कि हम एक कंटिन्यूम पे चल रहे हैं जिसमें कि मोर स्ट्रक्चर्ड less autonomous educational environments to environments of high autonomy with little or no structure। मतलब कि हम generally क्या होता है कि हमारा जो environment हमको educational provide किया जाता है वो क्या होता है, बहुत structured होता है और autonomy कम होती है। लेकिन ह्यूटेगॉजी हमको वहाँ ले जा रहा है जहाँ पे autonomy ज़्यादा है, यानी कि हमारे हम self regulated हैं और structure कम है। स्ट्रक्चर उसका नहीं है या कम है तभी तो हम उसको अपने हिसाब से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे ना। अगर हमको बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो हमारा सेल्फ उसमें फिर अपना रोल नहीं प्ले कर पाता है ना। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है इसके साथ। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, स्टूडेंट्स आर सेल्फ रेगुलेटेड टू द डिग्री दैट दे आर मेटाकॉग्निटिवली मोटिवेशनली एंड बिहेवियरली एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। यानी कि हम इतने अपने आप से नियमित हैं, उस सीमा तक नियमित हैं कि हम सोच सकते हैं, हमको अभिप्रेरित हैं, हम व्यवहार करते हैं किस तरीके का, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स का, और अपनी ओन लर्निंग प्रोसेस में, यानी कि हम पैसिवली नहीं रिएक्ट करते हैं। अगर हम पैसिव रहते हैं तो हमारी लर्निंग फिर बेकार होती है। स्टूडेंट्स मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर लर्निंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज एंड रिस्पॉन्ड टू दिस फीडबैक टू, है ना। यानी कि हम इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करते हैं और हम उसको फीडबैक के लिए भी रिस्पॉन्ड अनुक्रिया करते हैं, और ये भी जिमरमैन एंड शंक ने कहा है। ठीक है, अच्छा तो हम लोगों ने बात कर ली किसकी, हम लोगों ने बात कर ली व्हाट इज ह्यूटेगॉजी, हम लोगों ने बात कर ली फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या है, हम लोगों ने बात कर ली कि लर्नर सेंटर्ड कौन सी पेडागॉजीज हैं जिनको ह्यूटेगॉजी फॉलो करता है। और अब हम बात करेंगे पेडागॉजी एंड्रेगॉजी ह्यूटेगॉजी कंटिन्यूम, यानी कि कैसे हम पेडागॉजी से एंड्रेगॉजी पे आए और एंड्रेगॉजी से ह्यूटेगॉजी पे आए। इसको PAH भी आपको मिल जाएगा किताबों में लिखा हुआ। एंड्रेगॉजी क्या है? देखिए पेडागॉजी की तो बात कर नहीं रहे क्योंकि वो तो हम समझ उसको इसमें लाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एंड्रेगॉजी ह्यूटेगॉजी का कंपैरिजन कर दे रहे हैं। एंड्रेगॉजी क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड, और ह्यूटेगॉजी उससे थोड़ा सा और आगे जाके सेल्फ डिटरमाइंड हो गया, है ना। फिर एंड्रेगॉजी क्या है? सिंगल लूप लर्निंग, और ह्यूटेगॉजी क्या हो गया? डबल लूप लर्निंग। एंड्रेगॉजी क्या है? कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट है, और ह्यूटेगॉजी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, यानी कि कॉम्पिटेंसी से वन स्टेप अहेड है कैपेबिलिटी। ओके, फिर एंड्रेगॉजी क्या है? लीनियर डिजाइन एंड लर्निंग अप्रोच है, जबकि ह्यूटेगॉजी क्या है? नॉन लीनियर डिजाइन। देखिए नॉन लीनियर होगा तभी तो हम उसमें अपना सेल्फ इन्वॉल्व करके अपने हिसाब से उस डिजाइन को बनाएंगे एंड लर्निंग अप्रोच, है ना। फिर इधर आपका एंड्रेगॉजी में क्या है? इंस्ट्रक्टर लर्नर डायरेक्टेड है, जबकि ह्यूटेगॉजी में लर्नर डायरेक्टेड है ना। गेटिंग स्टूडेंट्स टू लर्न है किसमें? एंड्रेगॉजी में,
जबकि ह्यूटागॉजी में गेटिंग स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ दे लर्न, देख रहे हैं ना कि उसी को हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, यानी कि उससे भी बेहतर, उससे भी उत्कृष्ट, उससे भी उन्नत हो गया है ये क्या एंड्रोगॉजी से ह्यूटागॉजी। ठीक, तो ये नया टॉपिक मैंने पढ़ा था, तो मैं आपके संग बताना चाह रही थी। ओ माय गॉड सॉरी, इट इज नॉट हियर, है ना। तो हम लोग कम से कम जानते रहेंगे वो नए टॉपिक्स, कंपेरेटिवली नया है, लोग बहुत दिनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने भी इसको वो पिछले 4-6-8 महीने पहले ही पहली बार जाना था, तब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि आपके संग डिस्कस करना है। ओके, सो गेट अपडेटेड एंड पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। डन फ्रॉम माई साइड। ओके।